हाय दोस्तों, आज का वीडियो डेटा डिजाइन पर है। एक डिजाइन हम दिखाते हैं और उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन है। वो डिजाइन की चौड़ाई या ऊंचाई क्या है, इन सब के बारे में। ग्राफ पेपर पर डिज़ाइन है तो उसमें कॉलम कितने हैं, रो कितने हैं, कितने कलर यूज़ किए गए हैं, लीड पिक क्या है, तो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम इकट्ठा किए हुए हैं और उसके बारे में हम बताएंगे आपको। चलते हैं, हम दिखाते हैं अभी। देखिए, ये मेरा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन है और इसमें दो कलर की ये डिज़ाइन है और इसमें तीसरे कलर का इफ़ेक्ट दिखाया गया है, वो रेड कलर। और एक दो इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे डिज़ाइनर के हम नीचे दिखाएंगे, वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, बाद में दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये डिज़ाइन जो बनाया गया है, ये इसका रीड पिक क्या होगा। इसका रीड पिक क्या होगा इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है, हम बता दें आपको, उसके बाद में फिर ग्राफ के बारे में या डिज़ाइन के बारे में हम बताएंगे। स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है और वैसे व्यूवर्स के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, हालांकि होना चाहिए। पर यहाँ पे कौन कौन से इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर डिज़ाइनर के हाथों लिखा हुआ क्या क्या यहाँ पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले ग्राफ के बारे में हम बताते हैं कि ये 12x12x20 का ग्राफ है, 12x20। 12x20 है क्या, ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे खाली जगह है, हम दिखा दें आपको। ये यहाँ से ये चार निशान हमने लगाए हैं, ये एक स्क्वायर है, यहाँ से यहाँ तक ये एक स्क्वायर है। और ये देख रहे हैं आप, इसमें कॉलम 12 है, कॉलम 12 है यहाँ पे, और काउंटिंग भी हम करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कॉलम है। और ये बारह कॉलम हो गए और ये 20 रो हैं, तो यहाँ पे जो 12x20 लिखा हुआ है, ये यही लिखा है कि 12 कॉलम और 20 रो, 12x20, 12 कॉलम एंड 20 रो। और कुछ और इन्फॉर्मेशन हम दिखा दें आपको, उन्होंने यहाँ से काउंटिंग किया हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे मिट गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20 तक है, 18, 19, 20,
और ये बाई तरफ गया 20 स्क्वायर, और ऊपर कितना है वो भी ऊपर हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ ऊपर की तरफ कितने स्क्वायर गए हैं यहाँ पे ये नहीं दिखाया, निशान नहीं लगा है, पर यहाँ पर इन्होंने दिखाया है 1 से लेकर 20 तक यहाँ पे है। हमने अभी निशान लगाया ये 20 तक है, 1 स्क्वायर हो गया ये, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 स्क्वायर यहाँ पर है। और ऐसे भी हम देखते हैं कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ये ऊंचाई में भी है। और ये ब्लैक कलर से जो लिखा हुआ है ये डिजाइनर का नाम और ये डेट, और इसमें इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन है 100 चौक, 400 हुक्स, 100 चौक मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 400। तो इट इज 400 हुक्स, ये 400 हुक है, ये डिज़ाइन है 400 हुक यहाँ से और यहाँ तक, पर ऐसा इंस्ट्रक्शन है डिज़ाइनर का। और इन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 240 पिक, पीला और हरा, यहाँ पे लिखा है पीला और हरा रंग लाल रंग लड़ाकर कटेगा। तो इंस्ट्रक्शन है उनका कि मिक्सिंग करके आप ग्रीन और येलो की मिक्सिंग करके रेड कलर तैयार करेंगे, 3 कलर का इसमें इफ़ेक्ट दिखाया गया इस डिज़ाइन में, जबकि एक्स्ट्रा बार या एक्स्ट्रा बेफ के 2 ही कलर यूज़ होंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा फैब्रिक और काउंट के बारे में, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है जानना सीखना, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डिज़ाइनर के लिए थोड़े यहाँ पे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे, व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता, उनको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मालूम है, स्टूडेंट्स को चाहिए, उनको अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक डिज़ाइन आपने बनाया है, ये आप डिज़ाइन है, तो इसमें क्या क्या कितने हुक यूज़ किए गए हैं, डिज़ाइन की लंबाई चौड़ाई क्या है, इन सब के बारे में, जबकि मेरे पास इसका डिज़ाइन नहीं है, ग्राफ पेपर तो सामने है आपके पर डिज़ाइन नहीं है, पर यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे है टाइप ऑफ फैब्रिक, ये डिज़ाइन जो तैयार किया गया है किस तरह के फैब्रिक के लिए है यहाँ पे नोट करना है, इसमें वीव कौन सा टाइप ऑफ वीव, किस तरह का वीव दिया गया है, किस तरह का यार्न दिया गया है, कॉटन, सिल्क, वूल, पॉलिएस्टर, जो भी हो यहाँ पे
हमने खाली जगह छोड़ दिया। यार्न काउंट मतलब कौन सा धागा यूज़ करना है, कितने काउंट का, यह वार्प और वेफ्ट लिखा हुआ है। वार्प का धागा कितने काउंट का होगा, मान लेते हैं 40 आपने नोट किया। वेफ्ट का धागा भी 40, 20 या जो भी कुछ यूज़ करना हो वह यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आप लिखेंगे। रीड पिक, हमने ये बताया कि रीड पिक क्या होगा वो भी हमें नोट करना है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रीड और उसके नीचे पिक, और यहाँ पे 100 लिखा हमने, रीड काउंट 100 है और PPI या पिक पर इंच 83। और ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग PPI 83.33 तो होगा नहीं, पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नोट किया है। जैसा कि हमने बताया था कि 12-20 का ग्राफ है, तो अगर रीड काउंट हम 100 रखते हैं तो PPI कितना होता है, तो कैलकुलेशन करके हमने यहाँ पे 83.33 मेरा कैलकुलेशन आया था। अभी यहाँ पे एक बार आपको दिखा दें, ये हमारा 0 है, यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। 12-20 लिखते हैं, ये 20 हमने लिखा और 12 से डिवाइड किया हमने, तो हमारा जो कॉलम और रो का रेशियो आता है 1.66। एक कॉलम अगर है तो इसका रो कितना होगा 1.66। तो अगर हमने 12 कॉलम लिया तो रो कितना होगा 19.99 यानी 20। तो ऐसे ही अगर हमने मेरा एक और 1.66 का रेशियो आता है तो डेंट हमने 50 दिया है। अगर 100 हमने रीड काउंट लिया है स्टाफोर्ड सिस्टम से तो ये डेंट हो गया 1 इंच के, और 1.666 मल्टीप्लाई कर देते हैं 83.33 मेरा आता है। तो यही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेशन जो मेरा आया यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट किया था। दूसरा बता देते हैं आपको, अगर 80 हम लेते हैं, रीड काउंट 80 हम लेते हैं तो कितना आएगा पिक, स्टाफोर्ड सिस्टम से 2 से डिवाइड कर देंगे, 40 मल्टीप्लाई बाई 1.666 तो 66.64। तो हमने 66.64 यहाँ पे नोट किया है। तो इसी तरह से हम रेशियो निकालेंगे जैसा 12-20 का रेशियो है, पर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, हम इसके बारे में बात करेंगे, 100 रीड काउंट के बारे में बात करेंगे। तो रीड काउंट हमारा 100 होगा और PPI 83, ग्राफ पेपर जैसा कि आपको पता ही है 12-20 12-20। और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है इसमें, इस डिज़ाइन में कितने कॉलम हैं, इस डिज़ाइन में कितने कॉलम हैं और कितने रो हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम एंड टोटल नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ कॉलम दिखाए 240। अभी हम कैलकुलेशन आपको भी दिखाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि 20 स्क्वायर हैं यहाँ पे,
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हिंदी में है पर यहाँ पे हम आपको 20 लिखकर हम दिखा रहे हैं। तो ये 20 स्क्वायर है और हर स्क्वायर में 12 कॉलम है। बीस 240। तो हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉलम दिखाया है 240, टोटल नंबर ऑफ कॉलम 240, और टोटल नंबर ऑफ रो तो यो भी हमने दिखाया था कि यहाँ से ऊपर जाते हैं कितने स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितने रो होते हैं, यहाँ पर 20 स्क्वायर ऊपर भी गया हुआ है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक 20 स्क्वायर है। तो 20 by 20 ये हो गया 400। तो यहाँ पे आपको हमने नोट किया टोटल नंबर ऑफ रोज 400। इस डिज़ाइन में 240 कॉलम है और 400 रो हैं। अब इसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा रीड पिक हो रहा है, एक इंच में 50 डेंट, रीड काउंट 100 मीन्स डेंट पर इंच 50। डीपीआई कितना होगा, इसी का हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरा 50 आ जाएगा। तो 50 का मतलब यह है कि एक इंच में 50 डेंट। यहाँ से अभी हम निशान लगा कर दिखाते हैं आपको, ये हमने यहाँ पे निशान लगाया और एक इंच, ये हमारा एक इंच, इसमें देखेंगे कि कितने डेंट हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से काउंटिंग करेंगे और इसमें है ये कितने रीड का है, यहाँ पर कितना रीड काउंट है अभी हम दिखाते हैं आपको। देखिए रीड काउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 42 है यहाँ पे, ये देखो 42, ये रेट काउंट है। तो एक इंच में ये 42 डेंट मिलेंगे, 2 इंच में, सॉरी 2 इंच में आपको 42 डेंट मिलेंगे। तो एक इंच में कितना हो जाएगा 21। तो ऐसे जो रेट काउंट 100 हमने यहाँ पे दिखाया था, इसमें ये है कि एक इंच में 50 डेंट मिलेंगे। तो रीड काउंट निकालने का यह है ढंग है इस टाइप कोड सिस्टम में कि 2 इंच में, ये 2 इंच में ये 100 डेंट। तो 1 इंच में कितना होगा, तो 2 से हम या 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आएगा मेरा रिजल्ट, ये डेंट पर इंच, 1 इंच में 50 डेंट। ऐसा है निकालने का टेक्निक। और यहाँ पे जो 42 है तो इसका मतलब है कि 2 इंच में 42 इंच डेंट और फिर 1 इंच में 21, 1 इंच में 21 डेंट होंगे। ये है इसके कैलकुलेशन का टेक्निक या ढंग। तो फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं, फिर अब हम आते हैं, ये तो ग्राफ के पेपर के बारे में था, ऊपर रीड पिक था, फिर रीड पिक के अकॉर्डिंग ग्राफ पेपर या ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग रीड पिक। यहाँ पे रीड काउंट 100 PPI या पिक 83.33 कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग है ये, और फिर ग्राफ पेपर 12 by 20। तो एक कॉलम अगर है, 12 कॉलम और 20 रो है, ये एक स्क्वायर बनता है। अगर एक कॉलम है तो ये 1.66 रो बनता है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने रीड काउंट हमने निकाला था कि अगर हम रीड काउंट 100 देते हैं तो PPI मेरा कितना होता है।
और टोटल नंबर ऑफ कॉलम हमने दिखाया 214 और टोटल नंबर ऑफ रो हमने 400 दिखाया। यहाँ पर अभी आपको दिखाया भी हमने काउंटिंग करके, और डिज़ाइन की साइज़ क्या है, साइज ऑफ डिज़ाइन, विड्थ एंड लेंथ। तो पहले हमने विड्थ दिखाया 4.8, ये इंच में है और ये विड्थ है और ये लेंथ है 4.82, कैलकुलेशन किया हमने तो बल्कि 4.8 आया था। यहाँ पे हमने दूसरी जगह हमने दिखाया साइड में दाहिनी तरफ, जब और बारीकी से हमने कैलकुलेशन किया तो 4.8 आया। और ये हमारा लेंथ है, ये इंच में था ऊपर और नीचे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जब हमने कैलकुलेशन किया तो 12.19 आया सेंटीमीटर विड्थ है डिज़ाइन के, और 12.24 सेंटीमीटर आया था ये ऊंचाई। जब हमने और बारीकी से कैलकुलेशन किया तो 12.19 आया ये विड्थ है 12.19, और यहाँ भी है हाइट या लेंथ 12.19। तो थोड़ा हमने जब कैलकुलेशन हमने बारीकी से किया था तो सेम हमारा विड्थ और लेंथ सेम आए। ऊपर देखिए आपको यहाँ पे 4.80 है और यहाँ भी 4.80, और नहीं तो थोड़ा सा बारीकी से जो हमने नहीं किया था तो 82 आया था, और 12.19 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है जब हमने बारीकी से कैलकुलेशन किया था, और वैसे जब हमने बारीकी से कैलकुलेशन नहीं किया था तो 12.24 आया था, तो यहाँ पे 12.19 आ गया विड्थ भी और हाइट लेंथ भी, तो बिल्कुल स्क्वायर है ये। कैलकुलेशन करने पर ये पता चला बिल्कुल स्क्वायर है, नहीं तो ये समझ में आ रहा था हमें कि थोड़ी सी डिफरेंस है, पर यहाँ पे दोनों बिल्कुल सही से ही हैं। जितनी 4.80 यहाँ पे भी 4.80। अब हम आगे बढ़ते हैं, साइज ऑफ डिज़ाइन विड्थ एंड लेंथ ये हो गया यहाँ पर, और टाइप ऑफ डिज़ाइन किस टाइप के डिज़ाइन है, वो जो डिज़ाइन आपको दिखाई दे रहा है वो ज्योमेट्रिकल है, आप यहाँ ज्योमेट्रिकल है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ओवर राइट हो गया। और ग्रीन येलो और इससे मिला करके रेड, तो येलो और ग्रीन यहाँ पे हमने दिखाया या ग्रीन और येलो दिखाया, और इसमें हमने ब्रैकेट में तीसरा कलर रेड डाल दिया है कि 3:2 वो भी हमने नोट कर दिया। तो ये दो कलर से तीन कलर दिखाए गए हैं, ग्रीन और येलो से तीसरा कलर यहाँ पे दिखाया गया, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे देखा डिज़ाइनर के थे कि हरा पीला और हरा से जो मिक्सिंग किया गया है वो लाल रंग का है, तो ये ऐसे ही यहाँ पे है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे भी दिया आपको येलो ग्रीन, और इसमें ब्रैकेट में हमने रेड कलर लिख दिया जो ग्राफ पेपर पर है। चेकआउट कैपेसिटी जितने की भी हो यहाँ पे ये नोट करना है, और पर हम एक कार्ड दिखा रहे हैं वो 640 हुक है उसमें, वो अभी हम दिखाते हैं आपको। ये देखें ये जकार्ड कैपेसिटी है जो यहाँ पर इतना पंच किया हुआ है, और इतना अभी इतने का ही यूज़ हो रहा है, पर यहाँ से ये जो जकार्ड के जो सिलेंडर है इसमें इतने सारे हुक हैं 640, ये आप देखें
जैकार्ड कैपेसिटी 640। नंबर ऑफ हुक्स, कितने हुक यूज हुए हैं, टोटल हुक्स जो यूज किए हैं 480, और 240 ग्रीन के लिए नंबर ऑफ हुक्स, टोटल नंबर ऑफ हुक्स देखें 240 + 240। तो ग्रीन के लिए 240 हुक हमने यूज किए हैं और येलो के लिए भी 240 यानी 240 येलो के लिए भी, ग्रीन और येलो दोनों 240 के 240 के, तो 480 हुक हो गए। ये 480 हुक्स हो गए, ये यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 480 हुक हैं टोटल। और वीव, इसमें जो फैब्रिक में वीव है वो प्लेन वीव है, और यहाँ पे टाइप ऑफ वीव, यहाँ पे प्लेन होगा फैब्रिक में, हमने नोट नहीं किया है, पर यहाँ पे जो वीव हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीव या बाइंडिंग से मतलब है, यहाँ पे BINDING, ये बाइंडिंग से मतलब है, यहाँ पे हमने जो वीव लिखा हुआ है ये बाइंडिंग से मतलब है। बाइंडिंग का मतलब यहाँ पे ये जो वीव है या बाइंडिंग है, कोई इसको वीव कहता है कोई बाइंडिंग कहता है, पर इसमें हमने जो बाइंडिंग दिया है 1/4 है, अगर बाइंडिंग की बात करें तो 1 up 4 down, लेकिन जब हम डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन है 4 up 1 down। अब हम आपको कहाँ दिखाएं, आपको यहाँ पे ये देखिए, यहाँ अप है, ये बाइंडिंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अप किया हो गया, तो उसके बाद 1, 2, 3 फिर चौथे में फिर यहाँ पे अप दिखाया गया, तो यहाँ पे 3 डाउन हो गए, 1, 2, 3 यहाँ पे डाउन है, फिर 1 अप हो गया, तो बाइंडिंग के जहाँ तक बात है 1 up 3 down। कुछ मिस्टेक थे हमारे लिखने में, तो यहाँ पे आप देखिएगा अच्छी तरह से वो समझ में आ रहा है, सबसे नीचे यहाँ पे अप किया गया है, फिर 1, 2, 3 यहाँ पे छोड़ दिया गया, फिर यहाँ पे चौथे में, तो ये 4 1 up 3 down, हमने यहाँ पे 4 लिख दिया था, पर हमने 1 up 3 down बाइंडिंग की बात है, पर जहाँ डिज़ाइन की बात करते हैं तो 3 up 1 down, ये डिज़ाइन हम देख रहे हैं, ये फ्लोट हो रहा है 3 कॉलम में और एक कॉलम में इसको यहाँ पे बाइंड कर दिया गया है, तो 3 up 1 down। जहाँ तक बाइंडिंग की बात थी तो बाइंडिंग 1 up 3 down था, जहाँ डिज़ाइन की बात है तो 3 up 1 down। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया गया, 1 up 3 down हम कहें या 3 up 1 down कहें जैसा भी है, पर हमने बाइंडिंग के लिए ये 1 up 3 down दिखाया, लेकिन डिज़ाइन की बात करेंगे तो डिज़ाइन 3 up 1 down है, 3 धागे जो है, 3 कॉलम के जो धागे हैं वो अप थे और चौथा जो है डाउन था, तो इसलिए हम इसको बेटर समझेंगे यहाँ पे, ये 3 up 1 down है यहाँ पर। तो इस तरह से हमने सारे इन्फॉर्मेशन जो है डिज़ाइन के जहाँ तक थे वो हमने दिए, और भी इसमें हो सकते हैं वो भी हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15 तरह के 15 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, 15 तरह की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो
हम देना चाहेंगे, और वही यहाँ पे 16 तरह की इन्फॉर्मेशन है, 16 तरह के हैं। हमने नोट नहीं किया, अभी ब्लैंक पेज हमने छोड़ दिया है, पर यहाँ पे सारा हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। तो हमारी डिज़ाइन क्या है, कॉलम क्या है, रो क्या है, ये वही चीज़ें जो हमने यहाँ पे बताया आपको, ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखाया है, छोटा सा है, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पे बड़ा दिखाया है, और ये ग्राफ पेपर दिखाया है, पर वही सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पिछले पेज पे हमने जो दिखाया आपको ये। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन को ऐड किया जा सकता है, वो है हील्ड फ्रेम। हील्ड फ्रेम का यहाँ पे कहीं भी नाम नहीं है, पर हील्ड फ्रेम कितने हील्ड फ्रेम से बनाए गए हैं वो जब यहाँ पे, ये हील्ड फ्रेम यहाँ पे 4 दिए गए हैं ये, और इसकी डेंटिंग कैसे है, ड्राफ्टिंग कैसे है, ये भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करें, अपने यहाँ पे डाटा तैयार किया जा रहा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जा रहा है डिज़ाइन के पास, जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए ये। और अब आप अगले वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे, कलर मिक्सिंग, वो हम बाद में और भी तरह के कलर मिक्सिंग के बारे में लेकर आएंगे। और अब हम चलते हैं वापस, फिर मिलेंगे। कमेंट ज़रूर करिएगा, स्टूडेंट्स हों या व्यूवर्स हों या मास्टर व्यूवर्स हों या डिज़ाइनर हों, जो लोग भी हों, कमेंट ज़रूर करिएगा, इंतज़ार रहेगा इसका। शुक्रिया, थैंक्स।